Hello everybody! मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। इस खुशी में। ओ बताती हूँ, बताती हूँ। Thank you आंटी। मुंह मीठा करो। Thank you। मुंह मीठा करो। बेस्टी आंटी, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही कॉफी पी थी, तो मेरा मुंह मीठा ही है। अरे बुड्ढू, मेरे दूसरे बेटे को दूसरी टाइम बेबी हुई है उंगली चाट के। अरे वाह, वाह, कांग्रेचुलेशंस। मैं चौथी बार डैडी बन गई हूँ। और मेरी बेबी है ना, जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, वो भी पेट से है। वाह, अरे वाह, चार बार दादी और एक बार नानी बनोगी तो खुश तो होगी ना। गुड, कांग्रेचुलेशन। अंशुया, बहुत टाइम से ना मुझे तेरे को कुछ पूछना था। वो तेरे बेटों की शादी और मेरे बेटों की शादी एक ही टाइम पर हुई थी ना? हाँ? मेरे दोनों बेटों के यहाँ दो दो बच्चों के पालने बन गए हैं और तेरे यहाँ एक पन बच्चे का पालना नहीं बन रहा। बच्चों की खिलकारी की आवाज बहुत मीठी होती है। चारों के वजह से आज वो पेस्ट्री मेरे घर में मुझे नीचा दिखा के गई। तो मॉम, आप नीचे देखो ही मत, ऊपर देखो, सिंपल। सोनिया, शट अप, आई एम सीरियस, ओके? तो मॉम, मैंने भी सीरियसली ये कहा था। क्या 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 कॉमेडी चल रही है यहाँ पे? मैं यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, बहुत हंसी आ रही है। मजाक चल रहा है, आई एम सीरियस। सोचने जैसी बात है, आज तक हमारे घर में पालना क्यों नहीं बन रहा? मही, तुम कुछ बोलोगी? अरे बोलो। मॉम, एक्चुअली वो हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ए वाह, हम लोग फैमिली प्लानिंग वाली गेम खेल रहे थे। मॉम, और हम लोग भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो जल्द ही। बराबर सुषमा, मेरा भी वही ऐसे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे अब बाहर वालों के ताने नहीं सुनने, बस। हाँ तो ठीक है, हम घर वाले सुना दिया करेंगे ताने। सोनिया, मुझे किसी भी हालत में इस घर में एक बच्चा चाहिए, दैट्स इट, ओके? तुम दोनों सोचो और मुझे सोच के बताओ। फैमिली प्लानिंग। सागर जी, आप भी कहते रहते हैं ना कि आप अभी तक ठीक से वही सेटल्ड। हाँ वही वही, कि आप अभी तक ठीक से सेटल भी नहीं हुए हो। इसीलिए मैंने सासू माँ के सामने बोल दिया कि हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये बात मॉम को कैसे समझाएं? वो भी है, क्योंकि सासू माँ तो यही कहेगी कि कभी ना कभी तो आपको बच्चों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, तो फिर अभी क्यों नहीं, वो तो समझ ही नहीं रहे। बिल्कुल चिंता मत कर, मुझे सब पता चल गया है। ये अंसुया है ना, अब बच्चे के बारे में तुझे कुछ नहीं पूछ सकेगी, देख लेना। क्यों, ऐसा क्या करने वाली हो आप? देखती जा, देखती जा, ये दिवाली का कमाल तू देखती जा। डेंटेडन गायब हो गई। सस करने क्या वाली है? तो क्या सोचा तुम दोनों ने? मैंने सोच लिया है। गुड, और तुमने मही? पता नहीं इन्होंने क्या सोचा। अच्छा सोनिया, ये बताओ तुमने क्या सोचा? मैंने सोच लिया है कि हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे फुल फैमिली। सोनिया, मैं हनीमून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। हाँ तो शर्मा जी के बच्चों को पूछ लेंगे, अगर वो फ्री रहेंगे तो उनको भी लेके जाएंगे। सोनिया, शट अप,
मही तुम बोलो, तुमने क्या सोचा? देखो अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और ये शशुमा ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनना, ओके? देखो ये सोनिया है ना, ये नादान है, अगर मैं इसे कुछ समझाने जाऊंगी उससे पहले तो तुम्हारे यहाँ पालना बन जाएगा, ओके? इसलिए मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम समझ रही हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तो मैं डॉक्टर किटकिट से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, पहले तुम दोनों जाके मिलना और बाद में रोहित और सागर मिलने जाएगा। शशमा वो ये डॉक्टर किटकिट भाई से मिलना जरूरी है? हाँ। नहीं। हेलो डॉक्टर किटकिट, अंसुया मेहता। जी हाँ कहिए कहिए। अच्छा हाँ हाँ, उसकी माँ की तरह गोरा, ठीक है माँ की तरह गोरा, हाँ हाँ। और बताइए बाप की तरह बुद्धिशाली, बुद्धि पर बाप बुद्धिशाली है क्या? हाँ, दादा की तरह चाल, कमाल, और दादी की तरह घुंघराले बाल। ये बच्चा चाहिए या 2 BHK का फर्निश्ड फ्लैट? अच्छा मैं काम करूंगा कि आपके घर आ जाऊंगा, आपका और आपकी पूरी फैमिली का DNA सैंपल लेके जाऊंगा, ठीक है? और डॉक्टर किटकिट, आप बच्चे मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, जो लोग नॉर्मल तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते उन्हें हम डॉक्टर चिकित्सा की मदद से माँ बाप बनवाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी नाम तो सुना होगा तुमने। और हाँ, मुझे तुम्हारी मॉम का फोन आया था, वो कह रही थी कि सागर के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ। इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए? देखो सागर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे खुल के बताओ। देखो डॉक्टर, वकील और अपने आप से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्या डायलॉग है? डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का बच्चा चाहिए? ना तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बताऊंगा। इसकी तरह क्रिकेटर? अरे आए, नहीं, ये नहीं, पर इसकी तरह एक्टर या फिर इनकी तरह? रुको, मैं एक पूरा ऑप्शन बताता हूँ, या फिर इसकी तरह इंटेलिजेंट स्मार्ट किट किट, खाली गोद आइए, गोद भर के जाइए, वे वे, है ना। डॉक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ एकदम नॉर्मल हैं, पॉइंट ये है कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए है? तो फिर यहाँ क्यों आए? मेरी मॉम की डर की वजह से। डॉक्टर किटकिट, बात यह है कि अभी हमें बच्चे संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, फैमिली प्लानिंग, यू नो। आई नो, मैं अभी बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मॉम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो अभी इस बात को नहीं समझेंगी। आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि मॉम अभी हम पे बच्चे के लिए दबाव ना डाले। पर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप क्या नहीं कर सकते हैं, झूठ बोलिए, बहाने बनाइए, किसी भी हद तक जाइए, बट प्लीज डॉक्टर इस बच्चे पैदा करने वाली बात से मुझे छुटकारा दिलाइए। अरे डॉक्टर किटकिट, मैं सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। क्या? मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत से मैरिड कपल्स हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे, और जानते हैं उन सबको डॉक्टर किटकिट की जरूरत है। दे नीड यू। मैं सब समझ गया, मैं अभी तुम्हारी मॉम से फोन पे बात करता हूँ। फोन पे नहीं डॉक्टर साहब, आप घर पे आइए और कुछ प्लानिंग के साथ, और बस सब सेट कर दीजिए। वैसे सागर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा पहला ऐसा केस है जहाँ खाली गोद आए हो और खाली गोद ही जाओगे। थैंक यू डॉक्टर किटकिट, यू आर जीनियस। आई नो। सागर जी, डॉक्टर किटकिट से मिलने गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? सोनिया भाभी, मही, अब अगर कभी मुझे मेरी कजिन सिस्टर कहेगी
कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? एक गोरी। तो मैं उसे कहूंगी कि मेरे पास बच्चा है, है ना? पर आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं माँ बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ मही। लेकिन भाभी आपने ही बोला था ना कि अभी आपको माँ नहीं बनना है, आपको अभी हेरोइन बनना है ना? और अगर आप माँ बन जाओगी तो हेरोइन कैसे बनोगी भाभी? आपका कुरियर रफा दफा हो जाएगा। हाँ पर मही, रोहित ने कहा कि अगर मॉम ने हमारी बात नहीं मानी और वो अपनी ही बात पर अड़ी रही तब हम क्या करेंगे, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, रोहित भैया की बात तो सही है, है ना? ये लो तकिया, तुम भी माँ बनने की प्रैक्टिस करो। अरे भाभी, तानसेन लेने के बदले आप टॉप टू बटन मस्ती कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तो सीरियसली मस्ती कर रही हूँ मही। भाभी आप कुछ भी बोल रहे हो। और हाँ सुनो भाभी, आप ना आपका ये फोटो इंटरनेट पर मत डालना, वरना सब लोग देखेंगे और घर पर मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बधाई हो, सुनिया भाभी माँ बनने वाली है, वो मीठा करवाई है, बधाई हो। मस्त है। हे भगवान, भाभी तो हर बात में मस्त ही करती रहती है, क्या करूँ मैं इनका? और दादी सास अभी तक आए क्यों नहीं? बेबी, दादी सास अब कहाँ चली गई थी? देवलोक में ना 50 के आसपास की जो आत्माएं हैं ना, उसकी सौंदर्य प्रतियोगिता है, तो उसी के सिलसिले में अप्सराओं के साथ बात करने में रह गई थी थोड़ी। लो बोलो, दादी सास यहाँ मैं तानसेन में हूँ और आप ऊपर सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। बेबली, तेरी तकलीफ तो मैंने कब की दूर कर दी है, बस आने में थोड़ी देर हो गई, उतना ही। ठीक है, अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि आप क्या करने वाली हो। एक मिनट रुक। ठंटड़न। अच्छा? दूसरा बच्चा? ठंटड़न। बच्चे, तेरी अनसुया को, तेरी सासू माँ को बच्चों की किलकारियाँ सुननी है ना, तो अब उसे बोल जिंदगी भर सुनती रहे। भाई, अरे कोई सुन लेगा तो? अरे कोई सुन लेगा तो इनकी आवाज? और दादी सास, आप में सोनिया भाभी का अवतार है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे सो क्यों, क्या हुआ? दादी सास, मैंने आपसे समस्या का उपाय मांगा था, ऐसे नहीं कहा था कि समस्या को और बढ़ाओ। मैं नहीं समझी। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं एक बच्चे को संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ये 5-5 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी? अरे बेबली, तो क्यों चिंता कर रही है, दो ना वो बुद्धू बेबली को दे देना, सोनिया को। हाँ दादी सास, वो ऐसे हाथ में मेहंदी लगाने का कौन है ना कि 2 सोनिया भाभी को दे दूं, 3 मैं रख लूं। मैं तेरी दादी सास हूं कि तू मेरी दादी सास है? हां सॉरी, वो सासू मैं तो पीछे पड़ गई है ना, इसलिए बहुत तानसेन में आ गई हूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। माही, सासू मां, दादी सास जल्दी से इन बच्चों को गायब कीजिए, सासू मां देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हां, करती हूँ। नहीं गए। अरे क्या चुटकी बजा रहे हो, जल्दी जादू करो और गायब करो बच्चों को। बेबली, जादू नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे नहीं चल रहा? क्या पता, शायद बारिश हो रही है ना, इसलिए वो नेटवर्क खराब हो गया होगा। कोई पर ठोका ठोक मत करो दादी सास, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नेटवर्क बेटवर्क थोड़ी, कुछ भी आप गप्पा मार रही हो। अरे जल्दी से जादू करो, इन बच्चों को गायब करो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। माही, भगवान का नाम लो दादी सास, कुछ करो। करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हे भगवान जी, मेरी इज्जत रख लीजिए, मेरा जादू चला दो। अरे जल्दी, मही
क्या कहा डॉक्टर किटकिट ने? शुरू हो गया इसका ता ता फा था। मही मुझे ये ता 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 फा ता 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 नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। और उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने आएंगे। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो। तुम भगवान में मानती हो ना? चलो हम मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे बच्चे के लिए। मतलब आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे? हाँ क्यों नहीं, इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए और मेरे घर को वारिस मिले इसलिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आओ आओ भगवान से प्रार्थना करें, आओ। ओहो, देख तो तेरी सासुमाई अनसुया मतलब ही कहीं की वारिस के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ने को तैयार हो गई है। जा पापा जा, तेरा पीछा इससे छूटने वाला नहीं है, जा तू जा। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, एक तरफ छोटी बहू एक तरफ बड़ी बहू और बीच में सास, कितना मस्त पोज है, एक फोटो तो बनता है। सोनिया गाल पे पांच उंगलियों के निशान का तमाचा भी बनता है, मारू मारू मारू। नहीं सॉरी सॉरी मॉम। चलो प्रार्थना करो। हाँ भगवान, मैं तुम्हारे सामने बहुत कम बार हाथ जोड़ती हूँ, बस ये घर बच्चे की किलकारियों से भर दे भगवान, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती है। सोनिया तो हे भगवान, एक तरफ छोटी बहू एक तरफ बड़ी बहू और बीच में सास, ये वाला पोज कितना मस्त लग रहा है, कैसे भी करके इसकी एक फोटो खिंचवा दो ना प्लीज। सोनिया तू भगवान से फोटो खिंचवाने की प्रार्थना कर रही हो? भगवान मैं सोनिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, और सिर्फ इतना मांगती हूँ कि मेरा घर बच्चे की किलकारी से गूंज उठे, बस भगवान इतनी कृपा कर दो। इतनी जल्दी मनोकामना सुन रही भगवान? बच्चा छोड़ के कौन चला गया? मैडम जी ये देखो कौन बच्चा छोड़ के चला गया। छोड़ गया है? ऐसे कैसे कोई बच्चा छोड़ के गया? इसके साथ तो एक सेल्फी बनती है और स्टेटस रखूंगी, ब्रेकिंग न्यूज, मेहता सदन के बाहर मिला बच्चा। सोनिया चुप। नहीं 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 बच्चा बच्चा आपको नहीं शुरू, देखो ना रुला। सोनिया जब भी देखो सेल्फी सेल्फी सेल्फी। अरे वही तुम्हारा कांटेक्ट तो डायरेक्ट स्वर्ग लोक में है, प्रार्थना की और तुरंत बच्चा हाजिर।
मैडम जी देखो बच्चे ने चिट्ठी भी लिखी है। मतलब बच्चे के पास एक चिट्ठी भी है, कोई चिट्ठी रख के चला गया है। ये देखिए पढ़ो पढ़ो। तू मेहता परिवार मॉम मतलब हम थैंक यू हाँ थैंक्स फॉर द इनपुट। मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले करके जा रही हूँ ताकि इसे मेहता परिवार का नाम और प्यार मिले। इसे जवानी की भूल मत समझिए, हमारे प्यार की निशानी है बच्चे की माँ।